हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल शूट माय स्टाइल ब्लॉग में। और आज हम फिर से लेके आए हैं आपके लिए ट्रेवल का एक नया वीडियो। तो भी आप देख रहे हो, अभी हम अंजना बीच में हैं, मस्त मजा आने वाला है। यहाँ पे हम ये सोच के आए थे कि यहाँ पर केवल इंडियंस होंगे, बट छोटा मोटा क्राउड जो है वो फॉरनर्स का है। ये बात अलग है, बहुत थोड़ा सा क्राउड है फॉरनर्स का। तो अभी हम आपको दिखाते हैं आगे पूरा व्यू। कुत्ते भी पैकने चली गई। आप देख रहे हो जैसे अभी भी रशियन यहाँ पे ना, कुछ आपको एक दिख के मिल जाएंगे कुकर मुत्ते की तरह, जैसे बरसात में कुकर मुत्ता जम जाता है ना वैसे ही। तो आप देखो पूरा फुल्ली एकदम। बाकी आप देखो समुद्र की लहरें जो है वो बहुत तगड़ी है अभी, मतलब लोग नहा रहे हैं बट एकदम एग्जैक्टली वहाँ पे एंड पे लोग नहा रहे हैं। वो आप मेरा हाथ उंगली देख रहे हो, वहां पे नहा रहे हैं, उस तरफ जा रहे हैं। हम भी पहली बार आए थे, हमें पता नहीं है। बाकी आप देखो बहुत सारे लोग हैं, कलरफुल कपड़े पहन के आ रहे हैं, एकदम स्टाइलिश स्टाइलिश बन के आना भी। अंजना बीच की लास्ट वाली पहाड़ी आप देख रहे हो, वो बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। देखो दो कपल छांव में बैठे हुए गोवा का पूरा मजा लेते हुए, आप देख रहे हो किस तरीके से। ओ वाओ, सुंदर सी लहरें पैर टच करती हुई और वापस जाती हुई। तो कुछ इस तरीके का भी माहौल है इस मंथ में जो हम आपको दिखा रहे हैं, और होपफुली आपको भी देख के मजा आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा कि अंजना जो बीच है वो कैसा है। मतलब बहुत प्यारा बीच है। और नॉर्थ के कुछ बीचेस ऐसे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि कोलंगुट बीच हो गया, बागा बीच हो गया, अंजना बीच हो गया, ये सब बीचेस कैसे यहाँ पर आपको ना क्राउड जो है ना वो हमेशा आपको मिलेगा। मतलब यहाँ के लिए कोई ऑफ सीजन और सीजन नहीं होता। चलो समंदर दिखाते हैं। अच्छा आपको, और इस वक्त जो वेदर है ना बहुत प्यारा वेदर है। इस वक्त शाम का 4 बज रहा है, 5 बज रहा है, 5 बज रहा है, और 5 बजे का वेदर आप देखो कितना प्यारा कंट्रास्ट, बहुत प्यारा वेदर है इस वक्त। आप देखो बाकी लोग अलग अलग एक्टिविटीज कर रहे हैं, फोटो क्लिक चल रहा है, सामने भाभी जी रेड कलर में उनका क्लिक चल रहा है, ऊपर भी लोग खड़े होकर देखो क्लिक करवा रहे हैं फोटो अपना वहां पर भी। और ये मामा लाऊ का वो क्या है, पाशा गोवा, पाशा गोवा, पाशो का बहुत पॉपुलर है यहाँ पे ये सब।
जो अजीरा बीच में सबसे ज्यादा पॉपुलर रहते हैं। इसका मैं आपको सेपरेट वीडियो दिखाऊंगा टाइम निकाल के। तो कुछ लोग तो ऐसा लग रहा है धूप में जरा सा ही हो गए, भाभी जी सामने जरा सा ही हो रही है। जो गर्मी ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाते, हालांकि गर्मी भी ज्यादा है नहीं। आप देखो लोग मस्त एकदम मजे मार रहे हैं, नहा भी रहे हैं कुछ लोग। वो सामने देखो एक दीदी वो सामने लेटी हुई है, तो फुल मस्ती है एकदम। लोग अपनी अपनी तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पर मैंने एक चीज देखी है, यहाँ पर आपको ना लाइफ गार्ड नहीं मिलेंगे, ये कहते हुए कि पीछे चले जाओ कोई आगे नहीं जाएगा, ये सब चीजें आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगी। आप देखो यहाँ पर ना सबसे अच्छी बात होती है अंजना बीच में ना वॉल पेपर्स यहाँ पे बना के रखते हैं लोग, बहुत अच्छे होते हैं, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। देखो चंचल अपना फोटोशूट कराने के लिए तैयार होगी। फोटोशूट कराना है? देखो बियर की बोतल ना है कुकर बोतल की तरह पड़ी रहती है। ये देखो आप जो लोग गोवा बाहर के लोग आते हैं ना उन लोगों से रिक्वेस्टेड है कि ना वो लोग साफ सफाई रखें। जैसे सामने जो दीदी है अब जैसे इन्होंने अपने आप को साफ सुथरा रखा हुआ, वैसे आप गोवा को साफ सुथरा रखो। गोवा को साफ सुथरा रखोगे तो होगा क्या कि गोवा आने वाले लोग जो है उनको भी बड़ा मजा आने वाला है। देखो पत्थर यहाँ पर देखो ब्लैक सैंड है। आपको और पीछे होंगे ना वहां पे आपको पीली मिलेगी, लाल मिलेगी, यहाँ पर आपको ब्लैक सैंड मिलेगी। देखो मतलब ब्राउन भी मिलेगी आपको लेकिन इसके साथ साथ ब्लैक भी मिलेगी आपको। अभी आके और आपको तो आपको एक आइडिया तो लग गया होगा कि अंजना बीच में अगर आप आओगे तो आपको किस तरीके का माहौल मिलेगा। और अंजना बीच अभी घूमने के लिए बेस्ट है एकदम। आप अगर यहाँ पे आते हो ना आपको फुल मजा आने वाला है, बिलीव करो इस बात को। अंजना बीच अभी बहुत मस्त है एकदम। और डिटेलिंग हम आपको आगे बताएंगे अपने वीडियो में। जाते हैं